और ऑनलाइन क्लास कंप्यूटर क्लास 8th लास्ट चैप्टर आपका थर्ड चैप्टर था जिसमें आपने उसको मैंने कंप्लीट करा दिया था उसके क्वेश्चन आंसर। टुडे चैप्टर इज़ द फोर्थ चैप्टर। चैप्टर नेम इज़ MS एक्सेस इन इंट्रोडक्शन एंड इंट्रोडक्शन। अब आप पढ़ोगे MS एक्सेस के बारे में और इंट्रोडक्शन उसके क्या है। तो इस टॉपिक में आप क्या क्या पढ़ोगे, डेटाबेसिस पढ़ोगे, कंपोनेंट्स ऑफ डेटाबेस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, MS एक्सेस, स्टार्टिंग MS एक्सेस, क्रिएटिंग अ ब्लैक डेटाबेस एंड ओपनिंग अ डेटाबेस। नाउ स्टार्ट। योर स्कूल ऑफिस मेंटेन्स डेटा अबाउट द स्कूल स्टूडेंट एंड स्टाफ मैनुअली। आपका स्कूल जो ऑफिस है जो है वो क्या करता है, स्टूडेंट के डेटा को और स्टाफ के जो डेटा है उनको मेंटेन करके रखता है, उनके बारे में सारे डिटेल्स को, जैसे आपके रोल नंबर हो गए, आपका DOB हो गए, आप फादर्स नेम मदर्स नेम, ये सारी आपके डेटा है जो क्या करते हैं स्कूल में आपके रिकॉर्डेड में सेव होते हैं। इन एडिशनल टू द अबव योर स्कूल टीचर्स आल्सो मेंटेन डिटेल्स अबाउट देयर स्टूडेंट फॉर द पर्पज ऑफ अटेंडेंस रजिस्टर एंड रिजल्ट प्रमोशन प्रिपरेशंस। मतलब एडिशनल में क्या है, आपके आपके स्कूल में जो टीचर हैं आपकी वो क्या करती हैं आपके डिटेल्स को वो भी मेंटेन कर रखती हैं, आप स्टूडेंट के बारे में यानी उनके अटेंडेंस रजिस्टर को एंड रिजल्ट प्रिपरेशन को इन सब के बारे में रिकॉर्ड हो पहले से ही क्या करके रखती है, सेव करके रखती हैं। दिस रिजल्ट इन डुप्लीकेशंस ऑफ डेटा। यह रिजल्ट क्या होता है, डुप्लीकेशंस होते हैं डेटा के, विच इन टर्न किसके टर्न में रिजल्ट इन डेटा इरेगुलरिटीज, इट दिस इज आल्सो कॉल्ड डेटा रिडंडेंसी। मतलब यह जो होता है रिजल्ट है डेटा इरेगुलरिटीज़ का, वही इसी को हम क्या कहते हैं डेटा रिडंडेंसी भी कहते हैं। इफ द सेम डेटा इज कंप्यूटराइज, अगर सेम डेटा को कंप्यूटराइज किया जा रहा है देन इट इज़ पॉसिबल टू मेंटेन इट एट वन लोकेशन करें सेंट्रली एंड शेयर इट एमंग डिफरेंट यूजर्स। मतलब यह सेम डेटा जो होते हैं जो कंप्यूटराइज होते हैं वह पॉसिबल होते हैं मेंटेन करने में, उसको एक लोकेशन में यानी सेंटर में शेयर करना डिफरेंट यूजर्स के पास। This removes irregularities resulting from data duplication such as computerized data store is known as the database। मतलब यह जो removers है irregularities data का resulting जो formation होता है data का duplication उसी को जो computerized करके यानी store करके रखते हैं हम data को उसी को हम क्या कहते हैं database कहते हैं। Now start। डेटाबेस जैसे यहाँ पर आप देखिए एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन में आपके बहुत सारे स्टूडेंट नेम आ जाएंगे, एडमिशन नंबर आ जाएंगे, ईयर ऑफ एडमिशन, फादर्स नेम, मदर्स नेम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, करंट क्लास, करंट सेक्शन एंड रोल नंबर। एंड टीचर्स रजिस्टर में रोल नंबर, हाउस नेम, स्टूडेंट नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, मंथ वाइज अटेंडेंस, टोटल अटेंडेंस। तो ये जो आप देख रहे हो यहाँ पर क्या है, नोटिस दैट द हाइलाइटेड एंट्रीज आर रिपीटेड इन द टीचर्स रजिस्टर आल्सो। मतलब यह नोटिस जो है हाइलाइटेड किया गया है, यह स्टूडेंट की एंट्रीज है जो कि टीचर इसको रजिस्टर को क्या करके रखती है, मेंटेन करके रखती है। नो डेटाबेस, अ डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डेटा। डेटाबेस क्या है, कलेक्शन है इंटर रिलेटेड डेटा का, विच आर द सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज एंड स्टोर इन अ कंप्यूटर सिस्टम। जो क्या होते हैं सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइज होते हैं स्टोर होते हैं कंप्यूटर सिस्टम में। ऑर्गेनाइज डेटा इज ईजी टू एक्सेस एंड वर्क विथ। ऑर्गेनाइज डेटा क्या होते हैं, ईजिली वर्क करते हैं, एक्सेस होते हैं अपने काम के साथ। डेटा ऑर्गेनाइजेशन इज डन यूजिंग अ स्पेसिफिक डेटा मॉडल। डेटा ऑर्गेनाइजेशन क्या होते हैं, डन होते हैं जो उसमें स्पेसिफिक डेटा मॉडल यूज करते हैं। दिस मॉडल वाइडली यूज दिस डे इज द रिलेशनल मॉडल। यह जो मॉडल है यूज करते हैं इसी को हम क्या कहते हैं इस समय में रिलेशनल मॉडल कहते हैं। इंफॉर्मेशन कंटेन इन अ रिलेशनल डेटाबेस इज ऑर्गेनाइज इन टू द इंटर रिलेटेड टेबल्स। इंफॉर्मेशन क्या है, इसमें कंटेन है रिलेशनल डेटा में जो ऑर्गेनाइज करते हैं इंटर रिलेटेड टेबल से। डेटाबेस टेबल्स आर मेड अप ऑफ रो कॉलम्स। डेटाबेस टेबल जो किससे बने होते हैं, रो से बने होते हैं, कॉलम से बने होते हैं, जस्ट लाइक एक्सेल स्प्रेडशीट। कैसा, जैसे एक्सेल में होते हैं मतलब बच्चों का मार्क्स, रोल नंबर, फादर्स नेम, स्टूडेंट नेम, ये सारे रिकॉर्ड सेव करके रखते हैं। रो आर नोन एज रिकॉर्ड।
रो को हम क्या कहते हैं, रिकॉर्ड कहते हैं उसको, एंड कॉलम इज फील्ड, कॉलम को क्या कहते हैं, फील्ड जैसा वाला है। दिस डेटाबेस सिंपली एन ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन और डेटा। यह डेटाबेस क्या है, सिंपली है जो ऑर्गेनाइज करते हैं, इसमें डेटा कलेक्शन की इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। डेटाबेसिस एरे इंफॉर्मेशन इन सच अ वे दैट एनी स्पेसिफिक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन कैन बी ईजली एक्सेस। यह डेटाबेस जो है सिंपली ऑर्गेनाइज करते हैं, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन होते हैं, डेटाबेस को जो अरेंजमेंट होती है इन्फॉर्मेशन की वो एक वे में होती है, माइनर वे में स्पेसिफिक पीस होते हैं इन्फॉर्मेशन के, जिसको हम इजीली एक्सेस कर सकते हैं, मतलब चला सकते हैं। तो अब नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है, कंपोनेंट्स ऑफ डेटाबेस, इसे मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। ओके क्लास, थैंक यू।